समयदीप सर कुछ नया ऐड कर रहे हैं या कुछ और अपडेट? जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में ये 6 सितंबर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था। इसका वीकली ट्रेंड भी पॉजिटिव है, 1500 से करेक्ट होते हुए नीचे 1300 तक आया है, वहां से रिवर्स रिवर्सल का इंडिकेशन दिया है। 6 सितंबर का जिस तरह का बार बना है, मुझे लगता है 1300 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग किया जा सकता है। पहला टारगेट इसका 1500, 1520, और फिनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा तेजी है, बैंकिंग और फिनेंशियल लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है पहला टारगेट आपका 1500, 1520, और उसको अगर क्रॉस कर लेगा तो 1550 तक भी जा सकता है। तो 1300 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग किया जा सकता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। जी ठीक है, तो ये है राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अभी खरीदारी कैसे करनी है, किन लेवल्स पे क्या लगाना है, सारा कुछ बता दिया है। बढ़िया मुनाफा मिल सकता है, ध्यान रखें स्वामी दीप सर जी की तरफ से। ठीक है।